ओहो जी पार्ले जी ले खाएगा। हट ए हरी मणि, पता है क्या 26 जनवरी नजदीक आ रही है। अरे हाँ, होता क्या है ये 26 जनवरी जो 27 जनवरी के पहले और 25 के बाद जाता है। हा हा हा, ये क्या था, इतने ही हंसी आई मुझे। जो 22 जनवरी को, हाँ पता है, स्वतंत्र दिन होता है। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरी हरी मणि, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। वो तो हर साल आता है, वैसे हमने कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े, जो नियम बनाए थे वो सिर्फ कागजों पर है। पहले हमारा भारत था, अभी भी वैसा ही है। क्या किया है, गुलामी ना, मुझे इन दिनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मेरी लाइफ जैसी है, मुझे पसंद है, इन फालतू की चीजों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। हाँ वैसे भी उस दिन छुट्टी होती है, बोलो कहाँ चलते हैं। चलते हैं ना, वैसे भी वहाँ खाना मिलेगा ना। इसे तो हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है, भुक्कड़ कहीं का। हा हा हा, पहले सोचो कहाँ चलते हैं। चलो नजदीकी आर्कियोलॉजी म्यूजियम है। ये क्या होता है? ऐसा म्यूजियम जिधर ऐतिहासिक और पुरातत्व चीजें रखी जाती है। अच्छा चलो चलते हैं। अरे वाह कितने अच्छे कपड़े हैं। अरे वाह ढाले चमक रहा है। ए, क्या है ये, कुछ नहीं देगा सी। ये कौन है इसमें जाके, ये कौन है। क्या हुआ, मैनेजर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे क्यों आए हो। म्यूजियम घूमने आए हैं, टिकट चाहिए। ओह अच्छा, रुको ये लो। धन्यवाद। इंजर अरे सुनो, ये कौन है, इन्होंने क्या किया। ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स है। कौन ये, मोटू पतलू। देखो ना मैं इन्हें जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ, अगर तुम लोग को जानना है सो प्लीज कंटिन्यू, जब जाना होगा तो मुझे बुला लेना। Sir, your time is over. You can leave now. चल हरी मणि, चल चलते हैं। अरे खोलो दरवाजा।
आशीर्वादाने वयाच्या 15व्या वर्षी स्वराज्याचे स्वप्न बघितले आणि रायरेश्वराच्या मंदिरात जीवाला जीव देणाऱ्या मावळ्यांसोबत गुलामगिरी नष्ट करून स्वराज्य स्थापन करण्याची शपथ घेतली. तेव्हा स्वराज्याची निर्मिती करणे काही सोपी गोष्ट नव्हती. बर का, सर्वोच्च गुलामगिरी आणि समोर होते बलाढ्य शत्रू. परंतु अधिक मुस्लिम सरदार होते. हिंदू व मुस्लिम सर्वांनी एकत्र येऊन स्वराज्यासाठी रक्त सांडले. परंतु आता सर्वजण आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपल्याच माणसाला बळी देत आहेत. तर माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, आपला धर्म निभावण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आपले कर्म निभावणे आहे. हर हर महादेव. मैं बेगम हजरत महल, मैं अवध की बेगम, मैं अंग्रेजों की गुलामी के लिए कभी तैयार नहीं थी. इसलिए मैं अपने बेटे के साथ लखनऊ में रुककर जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया और अवध का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों से छीन लिया. मैंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता कायम की. मैंने अपने घुटने कभी भी अंग्रेजों के सामने नहीं टेके. इसलिए आप भी उठो, जागो और रुको मत जब तक आपकी मंजिल आपको न मिले. माना कि सफलता पाना इतना भी आसान नहीं है, पर कोशिश करने वालों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता है. नमस्ते, मेरा नाम मंगल पांडे है. मेरा जन्म 1827 में हुआ. मैंने मेरे साथियों के साथ देश आजाद कराने और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अंग्रेजी फौज द्वारा दी गई कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, जिसे फायर करने के लिए उसे दांत से नोचा जाता था, इसलिए मैंने विरोध करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की. मुझे तय किए गए दिन से 10 दिन पहले ही फांसी दी गई. इसलिए मेरे साथियों, देश की सेवा सर्वोत्तम सेवा है. देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरा अभिमान है. देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरा अभिमान है. सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है. सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है. मैं ज्योतिबा फुले, मेरा जन्म 1827 में हुआ. मैंने मेरा पूरा जीवन स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया. मैं समाज को अंधश्रद्धा के जाल से मुक्त कराने प्रयत्नशील था. शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है. पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन में काफ़ी कुछ कर सकता है, जो कि एक धनवान
परंतु अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान ही बड़ा धन है, ज्ञान से अधिक कुछ नहीं। मैं रानी लक्ष्मीबाई, मेरा जन्म वाराणसी में 1828 में हुआ था। मेरा बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मैं गलत थी, मैंने कहा था मैं झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो ऐसा लगता है काश मैं यह बोल पाती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चों को तक बांधकर मैंने युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों की चाल चलने लगे हैं। भ्रष्टाचार करके धिक्कार है मुझे ऐसे लोगों पर जो अपने ही देश को लूटते हैं। तो आइए एकजुट होकर नारा लगाते हैं देश के विकास के लिए। ये सबको बताना होगा, हमें भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसलिए करूंगा। मैं बाल गंगाधर तिलक। मैंने जन जागृत के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इस त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भर दिया। हम त्योहार मनाते हैं तो इसके साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। हम फटाके फोड़ते हैं, मूर्तियों को पानी में विसर्जित करते हैं और पानी और रंगों के साथ होली खेलते हैं। इससे पर्यावरण तथा आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हम जो त्योहार मनाते हैं उनके साथ कई परंपरा और रिवाज जुड़े हैं। जैसे आप अपने त्योहार का सम्मान करते हैं वैसे अपने पर्यावरण का करें। मैं भीम भिवा भीमराव अंबेडकर। मैं हिंदू महार जाति से संबंध रखता था, इसके कारण मुझे सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव सहन करना पड़ा। अपनी जाति के कारण मुझे शिक्षा क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने लंदन से लौटने पर छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश का पहला कानून एवं न्याय मंत्री बनकर लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद 299 सदस्यों के साथ भारत का संविधान बनाया जो 1950 को लागू किया। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। मैं सुभाष चंद्र बोस। मेरा जन्म 1897 उड़ीसा में हुआ। 1916 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। फिर 1919 में बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ और कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर मैंने उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। वहां 1931 को महात्मा गांधी जी से बातचीत हुई तो उन्होंने दास बाबू के साथ काम करने की सलाह प्रकट की। फिर असहयोगी आंदोलन में सहभागी होकर मैंने 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया, क्योंकि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ था कि वह स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें अपने भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। मैं अशरफ उल्ला खां। मेरा जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। हमारा आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने की आवश्यकता थी।
फिर हमने काकोरी रेलगाड़ी का सरकारी खजाना लूटा, इसलिए मुझे बागी घोषित किया। राम प्रसाद बिस्मिल इस कार्यकारी समूह के नेता थे। मेरी फिर इनके साथ दोस्ती हुई। वह एक आर्य समाज के थे जबकि मैं मुस्लिम था। हमारा धर्म अलग था पर हमारा मजहब एक ही था, वो कि भारत को स्वतंत्रता में देखना। मैं मेरे दोस्त को प्यार से राम कहकर बुलाता था। फांसी की तख्त पर आखिरी सांस तक मेरे दोस्त बिस्मिल्ला ने गाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं भगत सिंह, मेरा जन्म 1907 में जिला लालेपुर पंजाब में हुआ। मैंने चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या की, उसके बाद दिल्ली के केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुला विद्रोह किया। मैं लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित था। फिर सरकारी खजाना लूटने के लिए काकोर रेल कांड सफल करना पड़ा। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का बड़ा सहयोग था। मैंने 23 वर्ष की आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। जेल में भी मैं अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करता रहा। फिर जेल में 64 दिन तक भूख हड़ताल की, किसी भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कला गा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। भारत।